जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। जय साहित्य एकेडमी ट्रस्ट ना आ मंच पर फरी एक बार आप सर्वनु सादर वंदन साथे स्वागत छे। આંબેલની હોળીનો આજે પ્રથમ દિવસ છે, કેટલા લોકો માટે આજે દ્વિતીય દિવસ પણ છે, એ સર્વ કોઈ લોકો સુખશાતામાં હશે। જૈન સાહિત્ય એકેડમી કે ઇસ મંચ પર હમારે આજ કે મુખ્ય વ્યાખ્યાતા ડોક્ટર ધરમચંદજી જૈન કા ભી સ્વાગત હૈ। સર, આપકા સ્વાગત હૈ। આગમ સાહિત્ય કે અભ્યાસ કા આરંભ કરતે કરતે આજ હમને 21 लेक्चर का प्रवास खत्म कर दिया है। 22वें लेक्चर के और आज हम हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर से और भी ज्यादा प्राप्त हो, सर से और जितना हम सीख सके उतना और प्राप्त करने की कोशिश हम लगातार करते हैं। ऐसे कई कोर्स का एक उद्देश्य यही होता है कि उसके बारे में, उस विषय के प्रति हम ज्यादा जाते हैं, उसके प्रति हम ज्यादा हमारा एक खींचे उसके प्रति हमारा ज्यादा आकर्षण होता है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आज ही कोर टीम ने मेरे से डिस्कस किया कि मैडम हम इस विषय पे निबंध देंगे, उस विषय पे निबंध देंगे, और तब मुझे लगा कि हाँ, लोगों पे एक रस और रुचि का निर्माण हुआ है, और शायद वो ही इस कोर्स की सबसे बड़ी सार्थकता रहेगी। आज डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने भी हमारे लिए एक अनोखा विषय ढूंढा है। बात करने वाले हैं आज हमारे साथ सर दिगंबर जो आगमों की परंपरा है उसके बारे में। आरंभ के व्याख्यान में ही सर ने हमें श्वेतांबर परंपरा, स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा और दिगंबर परंपरा में जो भेद है उसकी कुछ बातें की थी। बट आज इस दिगंबर मान्य परंपरा के जो 84 आगम है उसके बारे में सर हमें बड़े विस्तार से बताएंगे। तो सर, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, हमारे सारे स्वाध्यायियों और हमारे ट्रस्टियों की ओर से, कि आज के आपका व्याख्यान का आरंभ करें डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। जय जिनेन्द्र, आप सभी का अभिवादन। नमो जिनाणम जीव भयाणम। आज हम इस व्याख्यान माला में प्रारंभ करेंगे दिगंबर परंपरा में मान्य आगम, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैन साहित्य एकेडमी के द्वारा आयोजित इस आगम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज सेजल बेन शाह ने मुझे अवसर प्रदान किया है कि जैनों के दो जो परंपराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, इन दो परंपराओं में श्वेतांबर आगमों की तो बहुत प्रसिद्धि है और आगम साहित्य के नाम से अधिकतर उन्हीं के आगमों को जाना जाता है, किंतु दिगंबर परंपरा में भी क्या आगमों की कोई परंपरा है, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के व्याख्यान में, चूंकि जैन सब एक ही है, भगवान महावीर के ही सब अनुयायी हैं, और भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, या कहें कि तीर्थंकरों की जो परंपरा चली आ रही थी भगवान महावीर के पूर्व भी, उस तीर्थंकर परंपरा में और भगवान महावीर की परंपरा में सभी जैन परंपराएं एक ही हैं, मूल सिद्धांत सब वही हैं, मूल बातें वही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर कहीं हो गया है, तो ये अंतर तो हम जानते हैं कि कहाँ किस प्रकार का हुआ है और उसका भी विशेष अध्ययन किया जा सकता है, किंतु यहाँ हम अध्ययन करेंगे विशेष रूप से जो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा, ये आगमों की किस प्रकार से विभक्त हुई है। श्वेतांबर परंपरा में आगमों के बारे में हमने काफी ज्ञान प्राप्त किया है, अंग आगमों के संबंध में, उपांग आगमों के संबंध में और कुछ मूल सूत्रों के संबंध में, छेद सूत्र हमने नहीं लिए हैं, और अभी आज चर्चा करने जा रहे हैं दिगंबर आगम परंपरा की। तो मूल में तो जो भगवान महावीर ने कहा है, और जैन परंपरा में जो 11 अंग आगम हैं, उन 11 अंग आगमों, या कहें 12 अंग आगम दृष्टिवाद को मिलाकर के, 12 अंग आगमों की चर्चा हमको दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में भी मिलती है, तत्वार सूत्र की टीकाओं में भी मिलती है, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, तत्वार्थ वार्तिक हो, उनमें भी प्राप्त होती है, और इनका उल्लेख हमको षटखंडागम आदि में भी प्राप्त होता है, उनकी टीकाओं में प्राप्त होता है। तो आगमों के नाम तो वही हैं जो श्वेतांबर परंपरा स्वीकार करती है, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपवासक दशा, अंतकर दशा, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। ये जो 12 अंग आगम है, इन अंग आगमों के नाम श्वेतांबर परंपरा में जिस प्रकार से हैं, उसी प्रकार से दिगंबर परंपरा में भी हैं। अंतर यह है कि दिगंबर परंपरा, उनमें से दृष्टिवाद के कुछ अंश को छोड़कर
ग्यारह अंग आगमों को विलुप्त स्वीकार करती है, अभी विद्यमान नहीं मानती, और श्वेतांबर परंपरा दृष्टिवाद को विद्यमान नहीं मानती, ग्यारह अंग आगमों को स्वीकार करती है कि वो विद्यमान है। ये दोनों में एक मतभेद है और इस मतभेद के कारण भी रहे होंगे। जैसा कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि जो भद्रबाहु स्वामी हैं, भद्रबाहु स्वामी उस समय अच्छे शास्त्र ज्ञाता थे और पूर्वों का ज्ञान भी उनको था, तो भद्रबाहु की जो सरणी रही है उस सरणी के अनुसार जब आगमों का संकलन नहीं हुआ ऐसा माना गया, तो एक परंपरा उन आगमों को स्वीकार करने से वंचित रही कि भद्रबाहु स्वामी अगर उसमें होते तो हम उन आगमों को स्वीकार करते, और उनकी अनुपस्थिति के कारण से उनको देवर्दिगणी क्षमाश्रमण के द्वारा उनके पूर्व भी जो आगमों के संकलन की परंपरा रही, जैसा कि हमने पांच वाचनाओं का एक बार अध्ययन किया था, उन वाचनाओं में जो वाचना की परंपरा रही उनमें ये एक पक्ष रहा कि इसमें सर्वसम्मति से संकलन नहीं हो पाया, इसलिए दिगंबर परंपरा इन आगमों को विलुप्त स्वीकार करती है, उनका अभी अस्तित्व नहीं मानती। पर अभी कुछ दिगंबर विद्वान भी और कुछ मुनिराज भी श्वेतांबर आगमों को पढ़ रहे हैं और पढ़ने की रुचि प्रकट हुई है, और कुछ ये स्वीकार करने लगे हैं कि दोनों परंपराओं के आगमों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो जैन परंपरा एक समूचे रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, जिसमें समूचा चित्रण आ जाता है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं का। तो हम ये दिगंबर परंपरा में कौन से आगम मानने हैं और कैसे किस प्रकार से माने जाते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा कि दृष्टिवाद को वहां पर कुछ अंश उसका स्वीकार करते हैं, तो दृष्टिवाद के अंतर्गत पूर्वों का उल्लेख होता है। दृष्टिवाद के पांच अंग पांच भेद किए गए हैं, उसमें एक पूर्वगत भेद है, एक तो परिकर्म है, सूत्र है, पूर्वगत है, और अनुयोग और चूलिका, ये पांच विभाजन किए जाते हैं। दिगंबर परंपरा में भी ये पांच विभाजन किए जाते हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ क्रम का थोड़ा अंतर हो गया है, वहाँ पर यही परिक्रम, सूत्र, पूर्वगत और उसके पश्चात ले लिया जाता है। अनुयोग को वो बाद में रखते हैं, चूलिका को पहले रखते हैं, चूलिका और अनुयोग, इस तरह से पांच विभाग वहां पर करते हैं। तो ये विभाग भी वही है पूर्वों के, पर पूर्वों का जो ज्ञान है वो पूर्वों का ज्ञान ही कुछ आगमों में भी प्रतिबिंबित हुआ है, आगमों में भी प्रस्तुत हुआ है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि दिगंबर परंपरा में भी ये बात है और श्वेतांबर परंपरा के कुछ आगमों में भी पूर्वों का ज्ञान आया है, ये प्रमाणित होता है उन आगमों को देखने से। तो जैसे प्रज्ञापना सूत्र है, पंडवना सूत्र जिसको कहते हैं, उसमें कुछ अंश भगवती सूत्र में कुछ अंश दृष्टिवाद का प्राप्त होता है, और दिगंबर परंपरा में दो आगम मुख्य रूप से पूर्वों के ज्ञान पर आधारित हैं, और वो हैं कषाय पाहुड़ और षटखंडागम। ये दो प्रमुख आगम हैं जिनको सीधा भगवान महावीर की वाणी कहें या तीर्थंकर परंपरा की जो पूर्व चलित पूर्व प्रचलित वाणी है, पूर्व नाम इसलिए भी दिया जाता है कि वह भगवान महावीर के पूर्व जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी परंपरा से ही प्रचलित रहा है पूर्व, इसलिए वो पूर्वगत है। तो वो जो सिद्धांत है और वो जो शास्त्र है या वो जो ज्ञान राशि है, वो ज्ञान राशि निरंतर प्रवाहित होती रही, और 14 पूर्वों के ज्ञाता भी कई मुनिराज हुए हैं, जैसा हमने पढ़ा भी है, कई मुनिराजों ने 11 अंगों का अध्ययन किया है, कईयों ने 12 अंगों का उपादन अध्ययन किया है, कईयों ने 14 पूर्वों का भी अध्ययन किया है, और भगवान महावीर के बाद भी 14 पूर्वधारी मुनियों की श्रृंखला रही। उन्होंने 14 पूर्वों का जो एक अध्ययन किया जिसमें उत्पाद पूर्व है, अग्रायणी पूर्व है, अस्ति नास्ति प्रवीर्य प्रवाद पूर्व है, अस्ति प्रवाद अस्ति नास्ति प्रवाद है, ज्ञान प्रवाद है, इस तरह से सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, इस तरह से जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्वों में कुछ पूर्वों में से ये ज्ञान राशि षटखंडागम और कसाई पाहुड़ में अवतरित हुई है। कसाई पाहुड़ को माना जाता है कि ये ज्ञान प्रवाद पूर्व की एक वस्तु से अवतरित हुआ है कसाई पाहुड़, और इसके जो प्रधान आचार्य हैं कसाई पाहुड़ के वो गुणधर हैं, गुणधर ने इसकी रचना की है कसाई पाहुड़ की। गुणधर का काल प्रथम शती के आसपास माना जाता है, प्रथम शती ईस्वी के आसपास,
और ये माना जाता है कि दिगंबर परंपरा में 683 वर्ष के पश्चात भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष पश्चात इन आगमों का संकलन प्रारंभ हुआ। और दृष्टिवाद का जब कहें कि 11 अंगों का वो जब स्वीकार नहीं करते तो उसके पश्चात ये आगम की परंपरा प्रारंभ हुई। एक यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें एक भाषा का भेद रहा है संकलन की दृष्टि से। श्वेतांबर परंपरा के सारे आगम अर्धमागधी भाषा में संकलित हुए हैं और दिगंबर परंपरा के जो आगम है और साहित्य की रचना भी विशेष रूप से सारी शौरसेनी प्राकृत में हुई है। तो शौरसेनी प्राकृत में होने का कारण यह रहा कि भद्रबाहु मथुरा के पास रहे और कुछ एक दो चातुर्मास उन्होंने किए दक्षिण भारत में। दिगंबर परंपरा की मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में वो जब गए तो उसके पूर्व शौरसेन में रहे थे मथुरा के पास, और शौरसेन से वो भाषा का नाम शौरसेनी रहा। उस शौरसेनी भाषा को उन्होंने दक्षिण में जाने के पश्चात भी उसका अभ्यास रखा और उसी में ग्रंथों की रचना की और दूसरों को भी उसी में ज्ञान दिया। इसलिए दक्षिण भारत में शौरसेनी भाषा का और विशेष रूप से कन्नड़ भाषा में भी, कन्नड़ प्रतिलिपि में कहें, कन्नड़ लिपि में शौरसेनी भाषा के अंतर्गत इन आगमों का संकलन हुआ, चाहे वो षटखंडागम हो, कषाय पाहुड़ हो। तो ये एक भाषा का वहां पर भेद रहा। और कुछ ये मानते हैं कि अंकलेश्वर में भी षटखंडागम का अंतिम रूप दिया गया था, पर दक्षिण भारत में मूढ़बिद्री जो ग्रंथालय है उसमें इनकी ताड़ पत्र पर प्रतियां प्राप्त होती है षटखंडागम की, कषाय पाहुड़ आदि की, और वहां से विद्वानों ने उसको प्राप्त किया है, फिर संपादन किया है। तो कषाय पाहुड़ की पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो कषाय पाहुड़ जो कषाय प्रावृत जिसको हम कहते हैं कषाय प्रावृत, प्राकृत में तो कहेंगे कषाय, सड़क वाला होता है, दंते सकार होता है, और कषाय में षटकोण वाला यानी मूर्धन्य सकार होता है। तो हिंदी में, संस्कृत में कहेंगे तब कषाय कहेंगे, प्राकृत में कहेंगे तब कषाय कहेंगे। और पाहुड़ का और होता है प्रावृत, पाहुड़ कहते हैं उपहार को, और पाहुड़ जिसमें भरा हुआ है सार, ज्ञान राशि का सार भरा हुआ, वो भी प्रावृत है। और परंपरा से जो ज्ञान राशि चली आ रही वो भी प्रावृत है। इस तरह से ये प्रावृत कषाय पाहुड़ में प्रावृत शब्द का प्रयोग हुआ है। और हमने ये देखा था कि कुछ अध्ययनों के लिए भी प्रावृत शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा कि कुछ आगमों में ये प्रयोग हुआ है प्रावृत और प्रावृत प्रावृत उद्देश्य के लिए प्रावृत शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ प्रावृत एक प्रकरण ग्रंथ है जो एक ही विषय को लेकर के रचा गया है, कषाय पाहुड़ वो एक एक विषय का है, कषाय का एक विषय है वहां पर। तो केवल कषाय पर अगर किसी विपुल सामग्री को देखना हो तो दिगंबर परंपरा में मान्य ये ग्रंथ, ये आगम कषाय पाहुड़ अत्यंत ही महत्वपूर्ण आगम है। कषाय पाहुड़ केवल कषाय पर पूरा ग्रंथ लिखा गया है और इसमें 180 गाथाएं उन्होंने रची थी गुणधर ने, उसके पश्चात फिर और 53 गाथाएं इसमें मिलती हैं। तो 233 गाथाओं का यह संकलन है। लेकिन इस पर चूर्णी रची गई और चूर्णी की रचना की गई थी यति वृषभाचार्य के द्वारा, और यति वृषभाचार्य ने इन कषाय पाहुड़ की गुड़ गाथाओं के मर्म को स्पष्ट किया, उसमें उसका मर्म खोल कर रख दिया है कि ये गाथाएं क्या कहती हैं। हम जानते हैं कि जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म स्वीकार किए गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में मोह कर्म को राजा माना गया है, सबसे मुख्य कर्म मोह कर्म है। और मोह कर्म में जो चारित्र मोहनीय उसके अंतर्गत कषाय आता है, कषाय और नौ कषाय ये आते हैं। तो चारित्र मोहनीय में ये आते हैं और एक है दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व आता है, सम्यक मोहनी आता है, मिश्र मोहनी आता है। ये 3 भेद हैं दर्शन मोहनीय के, और चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं। उनमें क्रोध मान माया लोक के 4 प्रकार हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार के लोक, ये 16 भेद होते हैं। और 9 भेद और माने गए हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9।
इस तरह से 16 और 9 25 भेद होते हैं चारित्र मोहनीय के। इन चारित्र मोहनीय के 25 भेद, इनका विवेचन मुख्य रूप से इस कषाय पाहुड़ ग्रंथ में हुआ है। तो कषाय पाहुड़ ग्रंथ का अगर कहीं मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना हो, शास्त्रीय अध्ययन करना हो, तो कषाय पाहुड़ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसकी छाया हमको कई कर्म ग्रंथों में और पंच संग्रह ग्रंथ जो श्वेतांबर परंपरा में भी रचे गए हैं उनमें भी इनकी छाया दिखाई पड़ती है। उस प्रकार का चिंतन यहाँ पर हुआ है। मोह कर्म कहें, लेकिन मोह कर्म इसमें नाम नहीं रखा, कषाय नाम रखा। मोह कर्म रहने पर तो दर्शन मोहनीय भी आता है, चारित्र मोहनीय भी आता है, लेकिन इसमें कषाय शब्द रखने से चारित्र मोहनीय का पक्ष इसमें विशेष हो गया है। चारित्र मोहनीय की विशेष चर्चा इसमें प्राप्त होती है कषाय पाहुड़ में। तो कषाय पाहुड़ में कौन कौन सी हमको वो प्राप्त होते हैं, विभाजन जो है इसका जो एक नाम है पेज्ज दोष पाहुड़। कषाय पाहुड़ का दूसरा नाम है पेज्ज दोष पाहुड़। पेज्ज का अर्थ होता है प्रेय और दोष का अर्थ होता है द्वेष। दोष, द्वेष का प्राकृत में दोष भी बनता है। तो दोष पेज्ज दोष यानी राग और द्वेष, राग और द्वेष का ये प्रावृत है, राग और द्वेष का वर्णन करता है ये ग्रंथ, इसलिए इसका नाम पेज्ज दोष पाहुड़ भी है और कषाय पाहुड़ भी है। इसमें प्रेयो दोष विभक्ति, स्थिति, अनुभाग, बंधक, प्रवेश, संक्रम आदि विभिन्न अधिकारों में वर्णन किया गया कषायों का, जिसमें प्रकृति जिस हम भेद करते हैं कषाय का, क्या बंध का जब हम भेद करते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये चार प्रकार के बंध होते हैं हर कर्म के। तो हर कर्म के जो ये चार प्रकार बताए हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि, उनका विवेचन भी कषाय की दृष्टि से कषाय पाहुड़ में हुआ है। कि प्रकृति जैसे ज्ञान आवरण कर्म की प्रकृति होती है ज्ञान का आवरण करना, ऐसे ही कषाय की किस किस तरह के क्रोध क्या करता है, मान क्या करता है, माया क्या करती है, लोभ क्या करता है, और अनंतानुबंधी क्रोध क्या करता है, अनंतानुबंधी मान क्या करता है, अनंतानुबंधी माया क्या करती है, उनकी क्या किस तरह का स्वभाव है, उस सबका विवेचन हमको प्रकृति विभाग में मिलता है। ऐसे कौन सा कर्म कितनी स्थिति वाला होता है, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मानी जाती है 70 कोटा कोटि सागरोपम और अंतर्मूर्त भी मानी जाती है जगन्य। तो ये जो स्थिति उसकी बतलाई है वो स्थिति कषाय की स्थिति न्यूनाधिक जो होती है उस सबका विवेचन हमको इसमें प्राप्त होता है। और कौन कितना फल देता है कषाय, उसका भी विवेचन हमको अनुभाग वाले अधिकार में मिलता है। और किस प्रकार का तीव्र क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध करने पर कैसी प्रकृति बंधेगी और कैसे औदयिक भाव में किस प्रकार से कर्म बांधा जाएगा, उनकी विवेचना, उनकी विस्तार से विवेचना हमको इस कषाय पाहुड़ ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो मोह कर्म का वर्णन देखना हो, विस्तार से देखना हो, तो हमको कषाय पाहुड़ ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, चाहे कोई भी परंपरा हो। पर इस ग्रंथ को समझने के लिए थोड़ा हमको पात्रता का विकास करना होगा। जब तक सामान्य बोध न हो कर्म सिद्धांत का या अन्य साधारण ग्रंथों का अध्ययन न हो कषाय से संबंधित, तब तक, या कर्म ग्रंथ आदि का अध्ययन न हो तब तक हम कषाय पाहुड़ ग्रंथ को समझने में हमको कठिनाई का अनुभव होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ, संक्रम शब्द का प्रयोग हुआ। संक्रम यानी संक्रमण, तो एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति में परिवर्तन हो जाना, ये संक्रमण कहलाता है। तो संक्रमण तो वैसे सात कर्मों का होता है, ज्ञानावरण आदि में भी होता है, पर कषाय का भी संक्रमण होता है। तो कषाय में संक्रमण होता है एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति में, तो ये इसका इसमें हमको बोध मिलता है कि भाई किस प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ का परस्पर परिवर्तन हो सकता है, अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण आदि में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। ये जब हम कर्म करते हैं इस समय अगर हमारा पाप तीव्र है, बंधन तीव्र हो रहा है, तो पुराना जो हमारा बंधा हुआ कर्म है वो नए में संक्रमित हो जाएगा, वो सारा मिल जाएगा, पहले वाला नए वाले में बदल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम वेदनीय कर्म का उदाहरण लें, तो पहले का अगर दुख की प्रकृति बंधी हुई है, साता वेदने की प्रकृति है, तो अगर हम अच्छा करते हैं, भला कार्य करते हैं, तो साता का वेदन करते हैं, तो पहले की प्रकृति भी साता में बदल सकती है, संक्रमण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कषाय ग्रंथ, और इस पर टीका लिखी गई थी वीरसेन स्वामी जी के द्वारा। वीरसेन स्वामी जो कि 9वीं शताब्दी में हुए,
ईसा की, और उन्होंने षटखंडागम पर भी टीका का निर्माण किया है और कषाय पाहुड़ पर भी किया है। तो कषाय पाहुड़ पर उन्होंने 20,000 श्लोक परिमाण जय धवला टीका की रचना की है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। उनके पश्चात उनके जो शिष्य रहे जिनसेन स्वामी, उन्होंने 40,000 श्लोक परिमाण टीका की रचना की। इस प्रकार से 60,000 श्लोक परिमाण, यानी इतने ये एक आकार बताया श्लोकों के आधार पर। एक श्लोक में अनुष्टुप श्लोक मानते हैं और उसमें 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर होते हैं, तो अक्षरों के अनुसार नाप करते हैं। तो एक श्लोक में 32 अक्षरों के आधार पर एक श्लोक हुआ, तो 60,000 श्लोक को अगर हम 32 से गुणा करेंगे तो उतने अक्षर परिमाण टीका का निर्माण इस पर हुआ है। तो ये टीका पठनीय है, टीका के साथ इसका प्रकाशन हो चुका है 16 भागों में, और सोलापुर से और अन्यत्र से भी संभवतः प्राप्त हुआ, लेकिन सोलापुर से इसका प्रकाशन हुआ था, 84 मथुरा से भी हुआ था, तो ये हमको प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो दूसरा आगम है वो षटखंडागम है। षटखंडागम, षट का मतलब है 6, षट खंड है जिस आगम में वो षटखंडागम, 6 खंडागम कह दें अगर प्राकृत में कहें तो 6 खंडागम, षटखंड आगम है, 6 खंडों से युक्त है, इसके 6 खंड है, षटखंड से युक्त आगम षटखंडागम है। और ये षटखंडागम माना जाता है अग्रणी पूर्व से, अग्रणी पूर्व जो दूसरा पूर्व है उसके वस्तु से यह लिया गया आगम है, और इसके निर्माता हैं पुष्पदंत भूतबलि, जिन्होंने अपने गुरु धरसेन स्वामी से इसकी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। धरसेन स्वामी जो गुणधर के ही आसपास के काल में हुए, और धरसेन स्वामी चाहते थे कि उनको कोई ऐसा शिष्य, योग्य शिष्य मिल जाए। कहा जाता कि दक्षिण भारत से वो आए पुष्पदंत और भूतबलि, उन्होंने अध्ययन किया धरसेन स्वामी से, और धरसेन स्वामी भी प्रश्नोत्तर शैली में अपनी बात कहने में समर्थ थे, सिद्धांत के गूढ़ ज्ञाता थे, और इन्होंने उन दोनों शिष्यों को पुष्पदंत और भूतबलि को मनोयोग से ज्ञान का प्रशिक्षण दिया। उससे पुष्पदंत और भूतबलि समर्थ बने इस आगम की रचना करने में, षटखंडागम की रचना करने में। तो उन्होंने जो षटखंडागम की रचना की है उसमें प्रारंभ के 5 खंडों का निर्माण, इसमें पुष्पदंत बड़े थे, ज्येष्ठ थे, और भूतबलि छोटे थे। पुष्पदंत ने कुछ सूत्रों की रचना की, पहले खंड के ही 177 सूत्रों की रचना की है। उसके पश्चात उन्होंने भूतबलि को यह कार्य सौंपा और भूतबलि ने उसको पूरा किया, और 6 खंडों का निर्माण हुआ। तो 6 खंडों में जो 5 खंड हैं, वो 5 खंड तो 6,000 श्लोक परिमाण ही हैं, पर छठा खंड 30,000 श्लोक परिमाण माना जाता है, यानी उसका आकार बड़ा है छठे खंड का, और छठा खंड महाबंध के नाम से जाना जाता है, जो एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित हुआ है, उसके भी वो महाकाय ग्रंथ माना जाता है, उसको महाधवल नाम भी दिया गया है, महाबंध को महाधवल भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाबंध पर महाधवल टीका लिखी गई, लेकिन ये टीका कोई वीरसेन स्वामी ने नहीं लिखी और नहीं टीका है। इस पर जो जो भूतबलि ने ही जो विस्तार किया है वो इतना विस्तार कर दिया है कि वो टीका की तरह 30,000 श्लोक परिमाण हो गया है, और महाबंध को ही महाधवल कहा गया है। ऐसा महाबंध के ग्रंथ जो प्रकाशित हुए हैं, अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो गए हैं, पहले अन्यत्र से जहां से भी प्रकाशित हुए हों, और उनको मिलान किया गया था मूढ़बिद्री के ग्रंथागार से, ताड़पत्री प्रतियों से, और फिर उसका जो है प्रकाशन महाबंध का यहां से भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। और इसका सुमेरु चंद जी ने इसका कार्य किया था संपादन का, तो बहुत ही विशाल काय ग्रंथ है। और इसमें ही मुझे देखने को मिला, मैं भी पहले इस तरह समझता था कि महाधवल कोई टीका होगी, लेकिन जय धवल धवला, जय धवला और महाधवला ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन धवला टीका तो षटखंडागम पर वीरसेन स्वामी की है। वीरसेन स्वामी ने 5 खंडों पर टीका लिखी है, छठे खंड पर तो ये स्वयं भूतबलि की ही टीका सहित, या कह दे उनके विस्तार सहित है। और जो वीरसेन स्वामी की 5 खंडों पर टीकाएं हैं, जिसको धवला टीका के नाम से या धवल टीका के नाम से जाना जाता है, और कषाय पाहुड़ की टीका को जय धवल नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पदंत भूतबलि ने इस ग्रंथ का निर्माण ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण किया था, जिसको श्रुत पंचमी के रूप में जाना जाता है। और आज भी सभी दिगंबर जैन
समाज के लोग इसको श्रुत पंचमी पर्व को मनाते हैं और इस आगम की पूजा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है और इसमें जो छह खंड, इसका प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ है और नमस्कार सूत्र के मंगलाचरण से हुआ है। जिस प्रकार से श्वेतांबर परंपरा में एक भगवती सूत्र का प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ, उसी तरह से इसका भी उसने नमस्कार मंत्र के मंगलाचरण से हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नमस्कार मंत्र के मंगलाचरण से इस ग्रंथ का शुभारंभ हुआ है। और चौथे खंड में भी पुनः इसका मंगलाचरण किया गया है, यानी छह खंड के आगम में मध्य नमस्कार भी इसमें किया गया है। प्रथम खंड में नमस्कार मंत्र से, फिर चौथे खंड में भी नमस्कार मंत्र से मंगलाचरण किया गया है, तो मध्य मंगल भी इसमें आया है। तो इसमें जो खंड है, पहला खंड है जीव स्थान तत्वत सूत्र में जो एक सूत्र है प्रथम अध्ययन का, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, ये जो आठ द्वार से विवेचन की बात वहां पर कही है, उसी तरह से यहाँ जीव स्थान में इन आठ द्वारों से विवेचन किया गया है। आठ प्रकार की प्ररूपणाएं की गई है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व से। और तो जीवों के बारे में एक जीव समास नाम से ग्रंथ है, जीव समास और जीव स्थान में इसमें काफी विषय की समानता है, तो ये तुलनात्मक की जा सकती है। और इसमें मार्गणाओं के आधार पर भी, गुणस्थानों के आधार पर भी विवेचन है, 14 गुणस्थानों का इसमें कथन मिलता है और 14 गुणस्थानों जो कि प्रसिद्ध है, मिथ्यात्व सास्वादान आदि, इन 14 गुणस्थानों का 14 मार्गणाओं से जो गति इंद्रिय जाति योग आदि जो मार्गणाएं हैं उनके आधार पर विवेचन इसमें हुआ है। और इसके बाद दूसरा जो खंड है वो क्षुद्रक बंध का है, खुद्दा बंध जिसको कहते हैं, तो उसमें बंध का ही भी विचार किया है, लेकिन बंध का विचार अल्प रूप में किया है, छोटे रूप में किया है इसमें खुद्दा बंध में। और तीसरा है बंध स्वामित्व नाम से, बंध स्वामित्व में कौन किसका बंध करता है, किस कर्म का कौन बंध करता है, इसका भी विचार किया गया है। और बंध स्वामित्व को लेकर के कर्म ग्रंथों की भी रचना हुई है, जिसमें तीसरे कर्म ग्रंथ में इस प्रकार का विचार हुआ है। श्वेतांबर परंपरा में छह कर्म ग्रंथ हैं, दिगंबर परंपरा में भी कर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो कर्म ग्रंथों के निर्माण में आचार्यों को ये सामग्री प्राप्त हुई है पूर्वों की, उसके आधार पर उन्होंने निर्माण किया है। क्योंकि आगमों में बहुत विस्तार से हम इसको ले लें, प्रज्ञापना सूत्र को, प्रज्ञापना सूत्र और ये षटखंड आगम, इनमें कर्म संबंधित विवेचन बहुत हुआ है। और कषाय पहुड़ में तो केवल मोहनीय कर्म का है, कषाय मोहनीय कर्म का है। और तीसरा है वेदनाखंड। इस बंध स्वामित्व में भी एक बात कहना चाहूंगा, इस तरह से प्रश्न किया कि बंधक जीव कौन है, अबंधक कौन है। तो बंधक जीव होते हैं जो बंध करने वाले हैं, तो देव नारक और तिब्यंश ये तो बंध करने वाले ही होते हैं, तो ये बंधक जीव है। और मनुष्य बंधक भी होता है, अबंधक भी होता है। कदाचित वो बंध करता है कर्मों का, कदाचित नहीं करता है। जब वो नहीं करता है कर्मों का बंध तो अबंधक कहलाता है, और कर्मों का बंध करता है तो बंधक कहलाता है। तो वो कर्मों का बंध करने से बंधक भी होता है और बंध नहीं करने से अबंधक भी होता है। इस तरह से बहुत सूक्ष्म वहां पर विवरण है, मैं क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा साहित्य समेटना है तो मैं डीपर नहीं जा रहा हूँ, अधिक प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। पर तीसरा जो इसमें खंड है वो वेदना खंड है। वेदना खंड में, वेदना यहाँ ज्ञान का सूचक है, वेदना अनुभव का भी सूचक होता है, जिसमें हमको वेदन होता है उसको भी वेदना कहते हैं और ज्ञान को भी कहते हैं। तो इसमें वेदन की विभिन्न रूप से प्ररूपणाएं हुई हैं। और एक वर्गणा खंड चौथा खंड है, पांचवा खंड महाबंध जिसके बारे में भी मैंने कहा। तो महाबंध जो है बहुत ही विस्तार वाला ग्रंथ है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। जो कर्म बंधन से बंध को समझना हो विस्तार से तो महाबंध का अध्ययन करना चाहिए। महाबंध में बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें मिलेंगी जिनका सामान्य बोध किसी को भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि षटखंडागम जैसा ग्रंथ, इसको पढ़ने का निषेध किया गया था दिगंबर परंपरा में कि षटखंडागम को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए इसके अध्ययन की परंपरा उतनी नहीं रही। वीरसेन स्वामी ने टीका बहुत विस्तार से अवश्य की, लेकिन पढ़ने की परंपरा अभी कुछ वर्षों पूर्व ही वापस प्रारंभ हुई है, उसके बीच में बंद सी रही। और ये 10वीं शताब्दी के आसपास, या कहें कि जब वो हुए चामुंड राय, उस समय भी ये परंपरा ही नहीं थी षटखंडागम को पढ़ने की। तो उनकी इच्छा थी षटखंडागम को पढ़ने की, और कषाय षटखंडागम, कषाय पाउड आदि ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा थी। तो षटखंडागम का सार
रूप में प्रस्तुत किया। नेमी चंद्राचार्य ने चामुंडा राय के लिए गोमट सार ग्रंथ लिखा। उन्होंने षटखंडागम के सार रूप में गोमट सार नामक ग्रंथ की रचना की चामुंडा राय के लिए नेमी चंद्राचार्य ने, जो श्रवण बेलगोला में इसका उल्लेख भी मिलता है, वहां पर शिलालेख भी इस प्रकार का है। और ये परिचय जब कराया जाता है तो ये बात वहां पर कही जाती है कि ये गोमट सार की रचना की गई है गोमट गिरी पर, और गोमट नाम चामुंडा राय का है, तो उन्हीं के नाम पर इसका कथन भी कर दिया गया ग्रंथ का, और उनकी जिज्ञासा पर इस ग्रंथ का आचार्य ने वर्णन किया। तो हमको सार अगर प्राप्त करना है षटखंडागम का तो गोमट सार ग्रंथ में पाया जा सकता है, वो भी कर्म सिद्धांत का गहन विवेचन करता है गोमट सार। और जीव कांड भी है, दो भेद है गोमट सार के, दो भाग हैं, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में जीवों की विवेचना है, कर्म कांड में कर्म संबंधी विवेचना है। तो षटखंडागम पर जो टीका का निर्माण किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वीरसेन स्वामी के द्वारा, और वो पठनीय है, और उसमें गूढ़ ज्ञान है। और वीरसेन स्वामी कई बार डिस्कशन करते हैं, बहुत गहरा गहरा विचार विमर्श करते हैं, उनके समय जो जो बातें प्रचलित थी उसको भी वो रख देते हैं, कहीं निर्णय देते हैं और कहीं निर्णय नहीं भी देते हैं, और पाठक पर छोड़ देते हैं कि भाई इसी तरह की बातें मिलती हैं, उत्तम च कह करके उत्तम च कह करके और उनका उद्धरण दे देते हैं, और उसका कहीं निर्णय स्वयं करते हैं और कहीं पाठकों पर या अन्य अन्य ज्ञान के आधार पर उसका कथन करके छोड़ देते हैं, पर बड़ा गूढ़ ज्ञान वहां हमको प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण षटखंडागम है जिसमें आगम शब्द जुड़ा हुआ है, वो तो एक ही आगम है षटखंडागम, कसाई पाहुड़ में भी आगम शब्द नहीं है, और अन्य आगमों में भी जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वहां पर भी आगम शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, एकमात्र षटखंडागम में आगम शब्द जुड़ा हुआ है, वहां पर आगम है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह लुप्त हो गया हो, पर वो ये दृष्टिवाद का ही अंश है। और एक बात यहाँ, मैंने एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ षटखंडागम परिशीलन, जो बालचंद्र शास्त्री का है। बालचंद्र शास्त्री ने बहुत ही विस्तार से षटखंडागम का अध्ययन करके उसमें सार लिखा है, और सार लिखते समय उन्होंने कई ग्रंथों से उसकी तुलना भी की है। तो उन्होंने जो दिगंबर जो श्वेतांबर आगम है उनके साथ भी तुलना की है कुछ आगमों के साथ में, जैसे आचारांग के साथ में षटखंडागम की तुलना की गई है, और प्रज्ञापना सूत्र के साथ में षटखंडागम की तुलना की गई है। षटखंडागम और प्रज्ञापना में तो बहुत सा विषय आपस में मिलता है, परस्पर बहुत विषय मिलता है, क्योंकि वो कर्म से रिलेटेड विषय है, और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आगम है ये प्रज्ञापना सूत्र भी। प्रज्ञापना में 14 गुणस्थानों का तो कथन नहीं आता है, पर वहां कर्म सिद्धांत संबंधी बहुत सी बातें मिलती हैं। तो उन्होंने उसका विस्तार से अध्ययन करके और विवेचन भी किया है षटखंडागम का और प्रज्ञापना सूत्र का, तो ये दोनों परंपराओं को जोड़ने वाला बन जाता है। तीसरा उन्होंने विवेचन किया नंदी सूत्र और षटखंडागम के आधार पर। नंदी सूत्र में ज्ञानों का विवेचन है 5 ज्ञानों का, षटखंडागम में भी 5 ज्ञानों का विवेचन मिलता है, ज्ञानावरण कर्म आदि के माध्यम से मिल जाता है। 8 कर्मों का विवेचन करते हैं तो ज्ञानावरण का विवेचन करते हैं, ज्ञानावरण का विवेचन करते 5 ज्ञान भी आ जाते हैं। तो 5 ज्ञानों का जो यहाँ पर वर्णन आया है और नंदी सूत्र में आया उसकी तुलना ये करते हैं। इसी तरह से अनुयोग द्वार सूत्र का जो सिस्टम है वैसा ही षटखंडागम में है, तो अनुयोग द्वार सूत्र और षटखंडागम की भी तुलना की गई। इस तरह से श्वेतांबर आगमों के साथ में दिगंबर षटखंडागम काफी संबद्ध काफी समन्वय उसमें हमको मिलता है। एक बात मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जैसे प्रज्ञापना में जो बात कही है हूबहू वही बात षटखंडागम में मिल जाती है। जैसे एक प्रसंग आया, भगवान महावीर से गौतम स्वामी पूछते हैं और गौतम स्वामी उत्तर देते हैं कि सबसे कम जीव कौन से हैं, तो कहते हैं सबथोवा नेरैया, सबथोवा मनुष्य, सबसे थोड़े तो है मनुष्य, मनुष्य जाति के जीव सबसे कम है, सबथोवा मनुष्य, मनुष्य सबसे कम है। फिर नेरैया असंख्यत गुणा, नैरयिक जीव उसे असंख्यात गुणे हैं, और उसे देवा असंख्यत गुणा, नैरयिक उसे भी देवता असंख्यात गुणे हैं। फिर सिद्धा अनंत गुणा, सिद्ध अनंत गुण हैं, और सिद्धों से भी तिरिक्ख जोड़िया अनंत गुणा, तिरंच जीव अनंत गुणे, क्योंकि तिरंच में वनस्पति काय भी आ जाते हैं, निगोद के जीव भी आ जाते हैं, इसलिए तिरंच जीव अनंत गुण है। ये बात हमको प्रज्ञापना सूत्र में जिस शब्दावली में प्राप्त होती है उसी शब्दावली में षटखंडागम में भी मिल जाती है। तो इस तरह से इन आगमों का स्रोत एक ही रहा है और वो पूर्वों का ज्ञान रहा है। पूर्वों का ज्ञान जो भगवान महावीर और उनकी पूर्व की परंपरा से चला आ रहा है उसको दोनों ही परंपराएं स्वीकार करती हैं, चाहे श्वेतांबर परंपरा हो,
चाहे दिगंबर परंपरा हो, केवल ये तो अलग अलग बोतल में ज्ञान चला गया है, इसलिए ये कहते कि दिगंबर ग्रंथ है और ये श्वेतांबर ग्रंथ है, पर वही पूर्वों का ज्ञान श्वेतांबरों में और दिगंबरों में लगभग समान ही प्राप्त होता है और वो प्रतिबिंबित हुआ है कर्म ग्रंथ आदि में। कहीं थोड़ा थोड़ा मतभेद मिलता है पर विशेष मतभेद नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसका है कि षटखंडागम कितना महत्व का ग्रंथ है। अब मैं लेना चाहूंगा दो और मुख्य ग्रंथ हैं जो परंपरा से आगम की श्रेणी में रखे जाते हैं, वो हैं मूलाचार और भगवती आराधना। मूलाचार के रचयिता हैं भट्टकीर स्वामी। भट्टकीर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ रचा और मूलाचार में मूल आचार क्या है, एक श्रमण का एक साधु का मूल आचार क्या है, उसकी बात उसमें कही गई है कि एक श्रमण किस तरह का आचरण करे जिससे वह एक श्रमण की कोटि में आता हो। तो उसमें हमको प्राप्त होता है मूलाचार में श्रमणों के संबंध में विभिन्न अधिकार उसमें दिए गए हैं और चरणानुयोग का एक ग्रंथ है। देखिए जो षटखंडागम है और जो कषाय पाहुड़े वो तो है करणानुयोग के ग्रंथ, चार अनुयोग हैं, चार अनुयोग श्वेतांबर परंपरा में भी मान्य है, दिगंबर परंपरा में मान्य है। वह नाम इस तरह से दे दिए हैं धर्म कथानुयोग का, वहां प्रथमानुयोग नाम है, तो प्रथमानुयोग है, चरणानुयोग है, करणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, चार अनुयोग हैं। तो उनमें करणानुयोग के ग्रंथ तो हैं षटखंडागम और कषाय पाहुड़, और चरणानुयोग के ग्रंथ हैं ये मूलाचार और भगवती आराधना, एक और भगवती आराधना। फिर द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं जो कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ अधिकतर द्रव्यानुयोग से संबंधित हैं, समय सार आदि ग्रंथ। तो इस तरह से चार अनुयोगों में तीन अनुयोगों का तो हमको इसमें वर्णन इनके आधार पर हमको आगमों का वर्णन मिल जाता है। तो मूलाचार जो कि दूसरी तीसरी शक्ति का ग्रंथ माना गया है, इसमें 12 अधिकार हैं और इस पर शोध कार्य किया था पंडित फूलचंद जी जैन, डॉक्टर फूलचंद जी जैन प्रेमी ने जो बनारस में रहते हैं। इसमें 12 अधिकार हैं जिसमें मूल गुण अधिकार है कि एक श्रमण के मूल गुण कौन से होते हैं, तो वहां एक मुनि के 28 मूल गुण माने गए हैं। श्वेतांबर परंपरा में 27 का कथन मिलता है या 28 का कथन मिलता है, लेकिन वहां 27 की गणना एक भिन्न प्रकार से की गई है और उन 27 के अलावा भी उनमें गुण प्राप्त होते हैं, पर उन 27 में सब गुण समाहित नहीं है। या 28 गुण में लगभग जिन गुणों का कथन किया है वो गुण श्वेतांबर साधु में भी मिलते हैं, एक गुण के अलावा, अचेलकता के अलावा बाकी सारे गुण मिलते हैं। तो 28 गुण कौन से हैं, तो पांच तो महाव्रत, पांच महाव्रत दिगंबर मुनि में भी है, श्वेतांबर मुनि में भी है, पांच समिति श्वेतांबर दिगंबर दोनों में है, और पांच इंद्रियों का पर विजय प्राप्त करना इंद्रिय निरोध, तो पांच इंद्रियों का निग्रह श्वेतांबर मुनि भी करते हैं, दिगंबर मुनि भी करते हैं, कोई भेद नहीं। छह आवश्यक जो सामायिक स्तुति वंदना प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, वहां क्रम थोड़ा सा ये है कि प्रत्याख्यान को पहले और कायोत्सर्ग को बाद में रखते हैं। तो षड आवश्यकों की अवधारणा श्वेतांबर में भी है, दिगंबर में भी, तो षड आवश्यक को दोनों मानते हैं, तो कोई भेद नहीं है। अब जो ग्रंथ, अब ये 21 हो गए, पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय निरोध और षड आवश्यक, 15 और 6 21। अब सात और गिनाता हूं, सात गुण है लोच, केश लोच, केश का लुंचन करना, ये दोनों ही परंपराओं में मान्य है। अचेलकत्व, ये दिगंबर परंपरा का विशेष गुण है, जहां अचेलकता यानी वस्त्र को धारण नहीं करना, नग्न रहना, उसी से दिगंबर नाम पड़ा। दिक ही अंबर है जिसका, दिक माने दिशा, दिशा ही अंबर माने वस्त्र, दिशा ही वस्त्र है जिसका। श्वेतांबरों में तो श्वेत वस्त्र है और दिगंबरों में कोई वस्त्र नहीं है मुनि का, इसलिए वहां पर दिगंबर नाम है। तो अचेलकता, वहां पर अचेलकता शब्द का प्रयोग हमको श्वेतांबर ग्रंथों में भी मिल जाता है, पर वहां अचेलकता का अर्थ न्यून चेलकता लगाया जाता है, अल्प वस्त्र, अल्प वस्त्र धारण करना वहां चेलक, क्योंकि अ जो है वो उसके छह अर्थ होते हैं नए समास में, छह अर्थ होते, तो एक अर्थ ये भी लिया जाता है अभाव अर्थ जिसमें वस्त्र का न होना, और एक उसमें न्यून होना, कम होना अर्थ भी लिया जाता है। तो जैसे अनुदरा कन्या, अब कन्या के उदर नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन अनुदर है यानी पतला पेट है, मोटा पेट नहीं, तो इसलिए इस तरह से अल्प अर्थ में भी उसको लिया गया। एक है अस्नान, स्नान नहीं करना, श्वेतांबर में भी स्नान नहीं करते हैं। क्षिति शयन, पृथ्वी पर सोते हैं, नीचे सोते हैं,
तो श्रुति शयन ये वहां पर भी है, दोनों जगह है। अब पाठ का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो लकड़ी का पाठ है उस पर भी सोते हैं। अदंत धावन वहां पर भी निषेध है, दंत धावन का यहाँ पर निषेध है। हमने दशवकालिक सूत्र में पढ़ा है दंत धावन का निषेध है, दशवकालिक सूत्र में बहुत विस्तार से एक साधु की चर्या श्रमणाचार बहुत विस्तार से हमने पढ़ा है, तो उसका कुछ प्रयोग यहाँ भी है। स्थित भोजन, अब एक अंतर ये और है दूसरा अचेलकता के अलावा, स्थित भोजन ये खड़े होकर भोजन करते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर भोजन करते हैं, और वहां परंपरा ये है श्वेतांबर में कि वो आहार लेकर आते हैं पात्र में, घर घर से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के आते हैं, और अपने जहाँ स्थान ठहरने का है वहां लेकर आते हैं, गुरु को दिखाने के बाद उसमें से आहार करते हैं, अपनी मंडली में बैठ कर करते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और यहाँ मुनिराज स्वयं जिस घर में आहार करना होता है वहां जाते हैं और वहीं खड़े खड़े पूर्ण आहार करते हैं और उसी समय जल भी पी लेते हैं। एक भक्त भोजन, एक विशेष अंतर ये एक ही समय भोजन कर, ये तो परंपरा श्वेतांबर में भी रही है एक समय खाने की, अभी ज्यादा समय जाते हैं अलग बात है, लेकिन आगम में एक ही समय का उल्लेख मिलता है। तो ये दो अंतर विशेष रूप से हुए, एक तो अचेलकता का और एक दूसरा हुआ स्थित भोजन, खड़े होकर भोजन करने का एक ही जगह पर। ये दो अंतर हमको श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में मुनिराज में मिलते हैं। मुनियों के और भी, मुनियों के पूर्व और भी कैटेगरी रही है, वहां पर ऐलक है क्षुल्लक है, लेकिन उसका वर्णन हमको आगमों में इस तरह से नहीं मिलता, इसलिए उसकी चर्चा में नहीं कर रहा हूं। फिर है प्रत्याख्यान के रूप में, बृहत प्रत्याख्यान एक है जिसमें सभी पापों का त्याग करके और मृत्यु जब नजदीक आ जाती है तो संलेखना सम्राट थारा करने के लिए चार प्रकार की आराधनाएं की जाती है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, उसका यहाँ पर कथन किया गया है। और पाप की क्रिया का मन वचन काया से त्याग करने की बात कही गई है और समता भाव को अपनाने की बात कही गई है, निर्दोष सामायिक से ही समता भाव आता है, उस तरह की सामायिक करें, तृष्णाओं का त्याग करें, ये समता भाव जो है निर्विकल्प भी होता है और इसमें समाधि भाव भी होता है। फिर है एक संक्षिप्त प्रत्याख्यान अधिकार इसमें आया है, जिसमें अचानक कोई परेशानी आ जाए, जाने कोई संकट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो उसमें मुनिराज जो है संलेखना संधारक कर लेते हैं, जैसे अचानक शेर आ गया, बघेरा आ गया, चीता आ गया, कोई भी पशु आ गया, अचानक मृत्यु का संकट उपस्थित हो गया, तो उस समय जो संधारा कर लिया जाता है, संलेखना कर ली जाती है, वो संक्षिप्त प्रत्याख्यान है। उस समय भी सब पापों का त्याग करके और सबसे क्षमा याचना करके ये धारण किया जाता है। एक समाचार अधिकार है चौथा अधिकार, जिसमें समाचार के चार अर्थ लिए, सम्यक आचार, राग द्वेष से रहित समता भाव होना और अतिचार रहित मूल गुणों का पालन करना, समस्त श्रमणों का सम्मान करना, हिंसा रहित आचरण करना, ये चार मुख्य रूप से आचार हैं। वहां भी आचार का बहुत विस्तार श्वेतांबर परंपरा में हमको मिलता है, आचार प्रणिधि अध्ययन जो दशवकालिक सूत्र है उसमें भी उसका अध्ययन है। और पांच पंचाचार अधिकार है पांचवा, जिसमें पांच आचार माने गए हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य, दर्शनाचार ज्ञानाचार तपाचार आचारित्राचार तपाचार और वीर्याचार, इनका विस्तार से कथन हुआ है। और नौ पदार्थों का वर्णन हुआ है जिनको नौ तत्व के नाम से भी जाना जाता है, और षटकायिक जीवों का किस कैसे तरह से रक्षा की जानी चाहिए, जैसे आप षटकायिक जीव का विवेचन इधर मिलता है श्वेतांबर परंपरा में, कोई दिगंबर परंपरा में, तो कोई भगवान की वाणी में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। और रात्रि भोजन त्याग यहाँ पर है जैसे श्वेतांबर परंपरा में है। और पिंडेषणा, जो पिंडेषणा का हमको दशवकालिक के पांचवें अध्ययन में विशेष उल्लेख मिलता है, यहाँ भी पिंडेषणा का वर्णन मिलता है, उद्गम के दोष है, उत्पादना के दोष है, या ऐषणा समिति से दोष है, उनका किस तरह से दूर करें और मुनिराज कैसे निर्दोष आहार लावें आहार करें, इसका इसमें विधान है। और छठा अधिकार छठ आवश्यक का ही है, जिनकी भी मैंने चर्चा की थी, नाम लिए थे, उनका विस्तार से कथन हुआ है। इसी तरह से द्वादश अनुपेक्षा का है, बारह भावनाओं का वर्णन है, इस तरह से इसमें बारह अधिकारों में वर्णन हुआ है विभिन्न विषयों का। और वसुनंदी ने इस पर टीका की रचना की है, आचार वृत्ति टीका, और इस ग्रंथ के आधार पर अनेक श्रावकाचार्य के ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है, नहीं मुनि के ग्रंथ के आचार का निर्माण भी हुआ है, जिनमें आशाधर का अनगार धर्मामृत है। श्रावकाचार का तो वसुनंदी श्रावकाचार अलग ग्रंथ है और आशाधर का आगार धर्मामृत है और एक अनगार धर्मामृत है, लेकिन ये तो विशुद्ध रूप से मुनि के आचरण से संबंधित ग्रंथ है, मूल आचार। आचार का अगर ग्रंथ नहीं बने तो मुनि अपना आचरण कैसे करेगा, इसलिए बहुत आवश्यक है।
आचार कर कर जैसे श्वेतांबर परंपरा में आचार अंग सूत्र है और अन्य आचार आचार के ही बहुत ग्रंथ हर ग्रंथ में आचार की बात कही गई है, हर आगम में थोड़ी थोड़ी बात आचार की मिल जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक ग्रंथ होना आवश्यक था क्योंकि षटखंडागम में आचार नहीं, कषाय पहुड़ में आचार नहीं है, तो मूलाचार ग्रंथ ने ही ये रक्षा की कि एक मुनि का आचार कैसा हो वो तो प्रतिपादित हो। इस ग्रंथ में वट्टकेर स्वामी ने योगकार किया कि सम्यक रूप से एक मुनि का आचरण कैसा होता है उसका प्रतिपादन हो। और वसुनंदी ने इस पर टीका आचार वृत्ति का लेखन किया है और इसके आधार पर अनगार धर्मामृत आचार सार चरित्र सार मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथों की रचना हुई है। अब भगवती आराधना ग्रंथ जो कि शिवार्य का ग्रंथ है, आचार्य शिवार्य है उनका ग्रंथ है और ये भगवती आराधना जैसे वहां भगवती शब्द आया है, भगवती शब्द विशेषण के रूप में आया था व्याख्या प्रज्ञप्ति के लिए, लेकिन व्याख्या प्रज्ञप्ति की जगह भगवती नाम चल पड़ा है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, भगवती आराधना पूरा बोला जाता है, आराधना का विशेषण है भगवती, तो आराधना शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। ये आराधना शब्द का प्रयोग श्वेतांबर में मिलता आराधना पताका है, तो आराधना जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की जाती है मृत्यु नजदीक आने पर विशेष रूप से, उसका विवेचन इसमें हुआ है भगवती आराधना में। और ऐसे ही वहां हमको आराधना पताका में वर्णन मिलता है और प्रकीर्णकों में मिलता है, बहुत सारे प्रकीर्णक जो है वो समाधि वर्ण से ही संबंधित है और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की बात करते हैं, जैसे आतुर प्रत्याख्यान है, मरण प्रत्याख्यान है, मरण समाधि प्रकीर्णक है, ये ऐसे बहुत सारे संथारक प्रकीर्णक है, ऐसे प्रकीर्णक लगभग 13 प्रकीर्णक हैं जो मरण समाधि से युक्त हैं, मरण समाधि का विवेचन करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह की बात भगवती आराधना में आई है कि मुनि का मरण किस प्रकार से, श्रमणाचार की चर्चा के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अंतिम समय किस प्रकार से व्यतीत हो, तो उसका ये ग्रंथ बड़े ही सुंदर तरीके से प्रतिपादन करता है। और दो प्रकार से सम्यक आराधना और चारित्र आराधना, ये दो भेद भी किए गए क्योंकि सम्यक के साथ ज्ञान आ जाता है, चारित्र के साथ तप भी आ जाता है। तो इसके साथ ही इसमें मरण के जो विविध प्रकार हो सकते हैं, जैसे 17 प्रकार का मरण हमको समवायांग सूत्र में देखने को मिलता है, 17 प्रकार का मरण का उल्लेख यहाँ पर भी, तो आगमों की विषय वस्तु काफी मिलती है एक दूसरे से। अब इसमें 5 प्रकार के मरणों का कथन मिलता है जो प्रकीर्णकों को मिलता है, एक है पंडित पंडित मरण, दूसरा है पंडित मरण, तीसरा है बाल पंडित मरण, चौथा है बाल मरण और पांचवा है बाल बाल मरण। ये 5 प्रकार के मरण की चर्चा यहाँ पर भी मिलती है। तो पंडित पंडित मरण तो जो क्षीण कषाय वाले हैं, केवली हैं, उनका मरण पंडित पंडित मरण है, और जो अप्रमत्त संयत गुणस्थान वाले हैं उनका मरण पंडित मरण होता है, संलेखना संतारा पूर्वक जब मृत्यु को प्राप्त होते तो पंडित मरण कहें या समाधि मरण कहें, एक ही बात है, इनकी कैटेगरी बना दी है। पंडित मरण ये भी पंडित मरण है, वो भी पंडित मरण, लेकिन पंडित पंडित पंडितों में भी और श्रेष्ठ, तो पंडित पंडित मरण नाम डबल कर दिया है। केवलियों का जो मरण है जिसको शरीर त्यागी करते हैं वो तो, और जो पंडित पंडित मरण है, और सामान्य जो साधु जो संयत अवस्था में या प्रमत्त अवस्था में देह छोड़ते हैं वो पंडित मरण है। और जो श्रावक का मरण है, अनुव्रति और 12 व्रति श्रावक जो है उसका बाल पंडित मरण है, और अविरत सम्यक दृष्टि का मरण बाल मरण है, सम्यक दृष्टि है लेकिन अविरत है उसका बाल मरण है, और जो मिथ्या दृष्टि उसका तो बाल बाल मरण है। ऐसे 5 भेद किए गए मरण के, और पंडित मरण के 3 भेद किए गए हैं जो वहां पर भी हमको मिलते हैं, आचारांग में भी है और आचारांग के बाद के ग्रंथों में भी है, कई ग्रंथों में और भी प्रकीर्णक साहित्य में भी है। और ये कहा गया प्रकीर्णकों में कि अगर मरना तो एक बार है तो क्यों ना पंडित मरण ही मरा जाए, पंडित मरण का ही वर्ण क्यों ना किया जाए, वो तो बहुत ही उत्तम मरण है, उसी को हम वर्ण करें, पंडित मरण को ही, इत्कम मरणम पंडित मरणम, इस तरह की बात वहां पर आई है। तो यहाँ पर 3 भेद किए गए, भक्त परिज्ञा और प्रायोपगमन, वहां पादोपगमन है या प्रायोपगमन है, और इंगिनी मरण, ये 3 भेद यहाँ पर करते हैं और इनका विस्तार यहाँ पर किया गया है, जिसमें आहार का त्याग है और फिर किसी की सेवा ली जा सकती है और एक में किसी की सेवा नहीं लेते, इस तरह से 3 जो है मरणों की चर्चा यहाँ पर, पंडित मरण की चर्चा यहाँ पर की गई है। और जो है भक्त प्रत्याख्यान भी 2 तरह का होता है, एक सविचार होता है, एक अविचार होता है। सविचार तो विचार पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना, यानी जब तैयारी के साथ कुछ समय पूर्व ही जब ये थोड़ा सा ज्ञात हो जाए कि मृत्यु नजदीक है तो
वो तपस्या प्रारंभ कर देता है और निर्यापक गुरु की तलाश शुरू कर देता है जो उसमें सहायक गुरु बन सके, इसकी तलाश शुरू कर देता है। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि 500-700 किलोमीटर की भी यात्रा वो कर लेता है इसके प्रयोजन से। इसलिए 12 वर्ष तक ये समाधि मरण की ये प्रक्रिया चलती है और 12 वर्ष का उल्लेख यहाँ भी है और प्रकीर्णकों में भी है, आगमों में भी है, तो 12 साल का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। एक इसमें जो मरण के पश्चात शरीर का क्या किया जाए समाधि मरण के पश्चात, तो उसकी भी विधि दी गई है और ये कहा गया है 2-4 तरह की विधि दी गई है। एक तो कि भी साधु का देहावसान हो जाए तो तत्काल उसका देह वहां से हटा देना चाहिए, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, या फिर अगर रखा गया है तो जागरण करो या बंधन से बांध दो या छेदन कर दो। इसलिए कर दो कि ये आशंका होती है उस प्राचीन काल में इस तरह की रही होगी कि कोई ऐसा देव ना आ जाए और इसका हरण करके ले जाए तो वो दोष का काम होगा, तो इसलिए उसकी या तो रक्षा करने के लिए बैठे रहें, जागरूक रहें या बंद और छेदन कर दें, या फिर उसको जंगल में भी कहीं डाला जा सकता है और जंगल में फिर उसका पशु आदि जो है वो भक्षण कर सकते हैं। पर यह भी कहा गया है कि शव अगर गीदड़ आदि से सुरक्षित रहता है जितने दिनों तक तो समझना चाहिए उतने दिन का सुभिक्ष होता है। एक अविचार भक्त मरण होता है जो कि तुरंत ही सहसा किसी ऐसे हिंसक पशु के सामने आ जाने पर स्वीकार कर लिया जाता है, वह अविचार भक्त मरण होता है। तो इंगिनी मरण क्या होता है कि संघ से अलग होकर के और गुफा आदि में एकाकी जब रहा जाता है तो इंगिनी मरण है वह, और उसमें कोई सहायक दूसरा नहीं होता, स्वयं ही अपनी परिचर्या करता है इंगिनी मरण। और प्रायोपगमन मरण में स्वयं भी अपनी परिचर्या नहीं करता, एक जैसे फूट पड़ा रहता है ना, पादप पड़ा रहता है वैसे कोई पड़ा रहता है, हिलता डुलता भी नहीं, करवट भी नहीं बदलता है, इस तरह से मृत्यु को वर्ण करता है। ये तो तीन दो ग्रंथ तो वो है कसाय पाहुड़ और षटखंडागम, शौरसेनी सभी शौरसेनी प्राकृत भाषा में रचे गए ग्रंथ हैं सारे, दिगंबर परंपरा के जो आगम ग्रंथ है वो सब शौरसेनी प्राकृत भाषा में, और श्वेतांबर परंपरा के अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। शौरसेनी का भी कई वहां प्रभाव है, महाराष्ट्र का भी प्रभाव है और कई कुछ शब्द कभी आ जाते हैं शौरसेनी, पर मुख्य रूप से अर्धमागधी भाषा है। अर्धमागधी भाषा उसे कहा गया है जिसमें मागधी के आधे लक्षण है और आधे लक्षण किसी और भाषा के भी हो सकते हैं, इसलिए अर्धमागधी है, या आधे मगध में बोली जाने से वो अर्धमागधी है, दोनों तरह से कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण आगम का जो अंश माना जाता है वो आचार्य कुंदकुंद के ग्रंथ, आचार्य कुंदकुंद के 5 ग्रंथ विशेष रूप से परमागम के रूप में माने जाते हैं, और वो है समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। ये 5 ग्रंथ ये भी शौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और आचार्य कुंदकुंद जो कि एक प्रमुख आचार्य हुए, बड़े आध्यात्मिक संत थे, उनके द्वारा रचे गए इन ग्रंथों को आगम की श्रेणी में रखा जाता है, और कुछ परंपराओं ने तो इनको परमागम कहा है, परम आगम है, और इनका स्वाध्याय विशेष रूप से होता रहा है इन आध्यात्मिक ग्रंथ का, तो ये चित्त वृत्ति को अच्छा बनाने में उपयोगी ग्रंथ हैं। कुछ बातें ही मैं इसकी बता पाऊंगा, समय की सीमा है क्योंकि 9 बज रही है, तो समय सार में जो वर्णन किया गया है वो निश्चय और व्यवहार के आधार पर किया गया है और निश्चय ने को प्राथमिकता दी गई है। निश्चय ने के द्वारा आत्मा के स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है, आत्मा का सही स्वरूप क्या है, हालांकि व्यवहार नय का उपयोग किया जाता है निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए, व्यवहार भाषा का प्रयोग तो व्यवहार का प्रयोग ही है, भाषा से ही समझाया जाता है, क्योंकि निश्चय का अनुभव किया जा सकता है, प्रतिपादन करने में जरूर भाषा का निश्चयकारी प्रयोग कर देते ताकि उसको एक दिशा मिल जाती कि किस तरफ हमको जाना है, साधना किस प्रकार से करनी है। तो कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष में ज्ञान दर्शन चारित्र ये होते हैं, 3 बातें होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र, व्यवहारेण उपदिशी, व्यवहार से उपदेश दिया जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र का। लेकिन जो निश्चय ऐसे है, नवीनानम न चरित्तम न दंसनम जान गो सिद्धो, निश्चय ऐसे तो वो ज्ञायक होता, शुद्ध ज्ञायक होता आत्मा, ज्ञान दर्शन चारित्र तो विभाजन कर रहे हैं, ये तो व्यवहार नहीं से कर, आत्मा तो शुद्ध ज्ञायक होता है, इस तरह का प्रतिपादन इसमें किया गया है। और आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित करते कहा गया है कि न तो उसमें रूप है, न रस है, न गंध है,
न उसको कहा जा सकता है और चेतना गुण से युक्त है, अशब्द है, शब्द से रहित है, किसी लिंग से उसको नहीं जाना जा सकता है और उसका कोई आकार भी नहीं है। इस तरह का विवेचन इसमें किया गया है और ये विवेचन आचारांग सूत्र में की गई आत्मा के स्वरूप से भी मेल खाता है। वहां पर भी इसी तरह की बात कही गई है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से रहित है, वो चतुष्कोण त्रिकोण वृत्त संघन आदि आकार का कोई आकार का नहीं है, जैसा वहां वर्णन किया गया है या गाथा में वर्णन किया गया है। तो हमको दोनों ग्रंथ परस्पर जोड़ते हैं आत्मा के स्वरूप में, समयसार भी और आचारांग भी। तो इस तरह की बात इसमें कहते हुए कहा गया है कि अहम इक्को खलु सिद्धो, मैं ही अकेला शुद्ध हूँ, दंशन नान मई ओ सदा अरूपी, दर्शन ज्ञानमय हूँ और सदा अरूपी हूँ मैं। रूपी आत्मा तो रूपी होता नहीं, रूपी शरीर तो है, शरीर में भी चेतना का अनुभव होता है, पर असली जो आत्मा आत्मा है वो तो अरूपी है। असली जीव का स्वरूप है जो शुद्ध स्वरूप है, जो कि सिद्धों का होता है, सिद्धों की आत्मा का जो स्वरूप है उसको शुद्ध स्वरूप कहा है और शुद्ध स्वरूप को ही बताने की कोशिश की गई है समय सार। समय कहते हैं आत्मा को और उसका सार यहाँ पर प्रतिपादित है, आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रतिपादित है संक्षेप, या समय कहते हैं सिद्धांत को और उसका निष्कर्ष इसमें सार रूप में निष्कर्ष इसमें प्रतिपादित है, सिद्धांत क्या है आत्मा का उसको इसमें बताया गया है समय सार। इसी तरह से प्रवचन सार है, समय सार 10 अधिकारों में विभक्त है, जीवा जीव कर्तिकर्म आदि का अधिकार है, फिर जो तत्वों के नाम पर है कुछ तो अधिकार, जैसे पुण्य पाप अधिकार है एक साथ, आश्रव अधिकार है, संवर बंध निर्जरा मोक्ष ये, और एक विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इस तरह से 10 अधिकार इसमें हैं। और इसी के साथ जो प्रवचन सार ग्रंथ है, प्रवचन सार ग्रंथ में भी हमको वर्णन मिलता है 3 अधिकारों में, ये भी आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ है और इसमें ज्ञान अधिकार है, ज्ञेय अधिकार है और चारित्र अधिकार, 3 अधिकार में सारा सार रख दिया, तत्व व्यवस्था का वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन इसमें अच्छी तरह से हुआ है। इस ग्रंथ में कहें कि चारित्र पर भी बल दिया गया है और ये कहा गया है कि चारित्रम खलु धम्मो, धर्म क्या है, चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, वो चारित्र कैसा है, धम्मो सो जो सो समोत्तिनिदिक्खु, जो सम है, समभाव की साधना है वो चारित्र है, जिसको सामायिक नाम से भी कहा जाता है, समभाव की साधना ही चारित्र है। कैसी भी अवस्था हो तो एक साधु को अगर कोई उपसर्ग भी आया है, शरीर में व्याधि भी है या कोई ऐसी विकट परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसमें भी समभाव में रहे, शत्रु हो मित्र हो समभाव में रहे, हानि लाभ हो समभाव में रहे, समभाव की साधना ही चारित्र है। और उसमें फिर चित्त कैसा रहता है, मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित होता है, परिणाम हो ऐसा परिणाम अपणो हूँ समो, इसी को सम कहते हैं, ऐसा परिणाम ही सम है, सम का लक्षण भी दे दिया है, जिसमें मोह नहीं होता क्षोभ नहीं होता वो सम है और इस ये सम ही चारित्र है और यही धर्म है, ऐसे धर्म का स्वरूप इसमें प्रतिपादित किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो अरिहंत होते हैं वो पुण्य से होते हैं, पुण्य फला अरहंता तेसिम क्रिया पुणोति उदय्या महा मोहादी विरहिया तम्मासा खाई गाति मदा। पुण्य फला अरहंता, अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं, पुण्य के कारण से कोई अरिहंत बनता है और उनकी जो क्रिया होती है वही पुण्य के कारण से उदय में आती है, यानी तीर्थंकर गोत्र जो है उसका पुण्य से उदय में आता है। इस तरह से यहाँ पुण्य को भी कुछ अंशों में महत्व स्वीकार किया गया, हालांकि जो कुंद कुंदाचार्य की सरणी है और उस पर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र हुए, आचार्य जयसिंह हुए, इन्होंने विशेष रूप से टीकाएं लिखी हैं, तो उसमें शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन में कहते हैं कि अशुभ की अपेक्षा शुभ उपयोगी है और अशुभ की अपेक्षा शुभ और शुभ की अपेक्षा शुद्ध शुद्ध उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, अशुभ उपयोग से शुभोपयोग, शुभोपयोग से शुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण होता है, ये प्रतिचर्चा उसमें की गई है। ये तत्वाधिकार जो है दूसरा अधिकार, उसमें द्रव्य का लक्षण दिया गया है और षड द्रव्यों की चर्चा इसमें की गई है, षड द्रव्यों के बारे में द्रव्य गुण पर्याय का लक्षण भी किया गया है, षड द्रव्यों का विवेचन भी इसमें मिलता है। और ये कहा है कि जो जिसका स्वभाव अपरित्यक्त स्वभाव वाला है, अपरिचित सहाव सहावेण उत्पाद वे ध्रुवत्त संयुक्तम, उत्पाद वे ध्रुव्य से जो युक्त है
और गुणों गुणों से युक्त है, पर्याय से युक्त है, उसको द्रव्य कहा जाता है। चारित्र अधिकार में जो है जिस तरह से मूलाचार में बात कही गई है वही कुंदकुंदाचार्य भी कहते हैं, व्रत समिति की बात यहाँ भी करते हैं, इंद्रिय निरोध की बात करते हैं, लोच की बात करते हैं, यानी जो 28 गुण हैं वो 28 गुणों की चर्चा हमको चारित्र अधिकार में, प्रवचन सार के चारित्र अधिकार में मिल जाती है, जो एक श्रवण के या मुनिराज के जो गुण हैं। एक इसमें जो बल दिया गया है उत्तराध्ययन सूत्र की भांति, उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकम बंधई, तो यत्ना से आचरण करना चाहिए, यत्ना पूर्वक आचरण करें, इस पर जो बल दिया गया है वैसा यहाँ पर भी कहा है। अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा, और जो जो अयत्ना से आचार करता है उसकी तो हिंसा होती है चाहे जीव मरे या नहीं मरे, और जो यत्नाचार करता है पयदा सनत की बंधु, उसके बंध नहीं होता, जो यत्ना से रहता उसके बंध नहीं होता। हिंसा मेत्यन समिदस्य, हिंसा मात्र से समित है, जो यत्ना पूर्वक चल रहा है, यत्ना पूर्वक कार्य कर रहा है, उसके बंध नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा है। इसी तरह से एक उनका एक ग्रंथ है जो नियम सार के नाम से जाना जाता है, और वहाँ नियम शब्द का अर्थ किया गया है ज्ञान दर्शन चारित्र को ही नियम कह दिया है, आचार को ज्ञान दर्शन चारित्र नियम है और इसका आचरण नियम सार में बताया गया है। नियम सार नियम सार भी निश्चय व्यवहार की चर्चा इसमें भी करते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की, जैसे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की चर्चा प्रवचन सार में भी है और नियम सार में भी हमको आचरण पक्ष विशेष रूप से मिलता है। और इसमें जो हमको चर्चा मिलती है खास रूप से नियम सार में, संक्षेप में जो भगवान का सिद्धांत है उसमें मैं कैसे रमण करूं, कैसी वितरागता को प्राप्त हूं, कैसी वितरागता के अनुसार अपना मन बना लूं, उस तरह का प्रतिपादन इसमें हुआ है। और ये भी कहा गया है कि जो केवली है अरिहंत है वो जगत को तो या जगत बाह्य पदार्थों को तो व्यवहार से जानता है, निश्चय से तो आत्मा को ही जानता है, केवली सर्वज्ञ जिसको हम कहते हैं, निश्चय से तो वो आत्मा को जानता है और व्यवहार से सबको जानता है सर्वज्ञ। और स्वपर प्रयासम नाणम भी इसमें कहा है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, इसका प्रतिपादन भी हमको नियमसार ग्रंथ में मिलता है। पंचास्तिकाएं जो ग्रंथ है उसमें पांच अस्तिकायों का विशेष रूप से कथन हुआ है, जो प्रसिद्ध है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय, ये पांच अस्तिकायों का विवेचन इसमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। और ये जैन सिद्धांत का कहें और जैन अध्यात्म का है कि ये प्रवेश द्वार है, ये ग्रंथ पदार्थ व्यवस्था को समझने में, नव पदार्थों को या नव तत्वों को समझने में ये बड़ा उपयोगी है। इसमें षड द्रव्यों के साथ साथ नव पदार्थों का भी कथन आया है और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा इसमें भी मिलती है। नेक्स्ट जो इनका ग्रंथ है अष्टपाहुड नाम का ग्रंथ है, अष्टपाहुड में आठ पाहुड का विवेचन मिलता है, जिसमें एक दर्शन पाहुड है जो सम्यक दर्शन से संबंधित चर्चा करता है और कहते कि दर्शन से भ्रष्ट हुआ तो ज्ञान से भी भ्रष्ट हो जाएगा, आचरण से भी भ्रष्ट हो जाएगा, तो दर्शन भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, दंशन भट्टा भट्टा दर्शन से भ्रष्ट हुआ भ्रष्ट। सूत्र पाहुड है, इसी तरह से चारित्र पाहुड है, इनमें इनके नाम के अनुसार ही चारित्र का वर्णन हमको उसमें मिलता है। और बोध पाहुड है, भाव पाहुड है, मोक्ष पाहुड है, लिंग पाहुड और शील पाहुड, ये इसमें टोटल 503 गाथाएं हैं अष्टपाहुड में। अब एक एक ग्रंथ पर एक एक लेक्चर हो सकता है, अष्टपाहुड पर अगर हम लेक्चर दें तो पूरा उस पर हो सकता है, समय सार पर दें तो उस पर हो सकता है, समय सार की तो एक एक गाथा पर एक एक लेक्चर हो सकता है, प्रवचन सार पर हो सकता है, तो मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, एक सामान्य परिचय आपको करा दिया है कि किस तरह से दिगंबर परंपरा में एक आगम की परंपरा मान्य रही है। तो वहां पर हम संक्षेप में कहें तो कसाय पाहुड षटखंड आगम दो तो ये, और मूलाचार भगवती आराधना दो ये चार, और पांच ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य के, इन नौ ग्रंथों को हम आगम की श्रेणी में रखते हैं। ग्रंथों की रचना तो और भी बहुत हुई है। एक बात और कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर के 25वां निर्वाण दिवस जब मनाया गया था 1974 में, उस समय एक ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के आगमों का संयुक्त रूप से निर्मित हुआ, जिसको समण सुत्तम कहा जाता है। ये समण सुत्तम योजक तत्व है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं को मिलाने वाला आगम है।
तो इसमें दिगंबर ग्रंथों से भी स्वरसेनी गाथाएं भी संकलित हैं और जो अर्धमागधी आगम है उनसे भी संकलित हैं। तो हम इसमें यह कह सकते हैं एक परंपरा अर्धमागधी आगमों की है और एक परंपरा स्वरसेनी आगमों की है। इस तरह से आगम परंपरा पूरी विच्छिन्न नहीं हुई है, एक दूसरे में एक दूसरे ग्रंथों का विलोप मानते हैं, पर बहुत सारी मूल बातें आज भी सारी सुरक्षित हैं, किसी भी रूप में हो, पर उनके ग्रंथों में भी है और दिगंबर परंपरा में भी श्वेतांबर परंपरा में भी सुरक्षित हैं। और जो सुरक्षित नहीं है उनको एक दूसरे से लिया जा सकता है, पाया जा सकता है, उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही निवेदन, आप सबका आभार, धन्यवाद। लगातार जिसको गुजराती में कहते हैं अस्खलित वाणी एक आखो धारा प्रवाह, डॉक्टर धरमचंद ની જ્ઞાનવાણી નો આપણે અત્યારે પરિચય પામ્યા, એનો પ્રકાશ પામ્યા, અને ક્યા કહે સર આપકો, ઇતની ખૂબસૂરતી સે, ઇતની અચ્છી તરફ, બહોત હી અચ્છી તરફ મે પૂરા દિગંબર આગમો કે પરિચય આપને આજ હમે દિયા હૈ, જિસ વિષય કો હમને ઝ્યાદા હમ નહીં જાનતે, હમ જિસકો ઝ્યાદા છૂ નહીં પાયે હૈ, આજ આપને ઉસકા એક બહોત હી બહેતરીન તરીકે સે હમે વિષય પ્રવેશ કરવાયા હૈ। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने आज दिगंबर परंपराओं के आगम की बात करते हुए मुख्य रूप से नव ग्रंथों का उल्लेख किया उन्होंने हमारे सामने, और आरंभ में उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारी साम्यता होने के बावजूद भी कि होने के साथ साथ एक उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह क्या अलग है, कहाँ पर क्या अलग हो रहा है उसके बारे में भी वो हमें बताते गए। कषाय पाहुड़, षटखंडागमन, मूलाचार और भगवती आराधना, ये चार ग्रंथों के साथ साथ कुंकुटाचार्य के जो पांच ग्रंथ है और पांचों ग्रंथों की विशेषता, उसमें क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो दिगंबराचार्य के जो ग्रंथ है, ये जो आगम है वो मूल रूप से शौरसेनी प्राकृत में है और वो क्यों शौरसेनी प्राकृत में है उसके बारे में भी वो हमें बताते गए, और साथ में श्वेतांबर परंपरा के जो आगम है वो अर्धमागधी भाषा में है उसके बारे में उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, प्रकाश किया। हर ग्रंथ के कितने खंड है, उसमें किसने उसकी रचना की है, उन्होंने कषाय पाहुड़ के बारे में बताया, जैसे कि वीरसेन सूर्य ने उसकी रचना की है और जिनसेन सूर्य ने भी उसकी रचना की है, तो दोनों ने मिलकर जो षट खंडागमन है तो षट छह खंडों में जो विभाजित है, और फिर धरसेन स्वामी ने उसकी जो रचना की है, और ये उसके 30,000 श्लोक जिसके अंदर है ये छह खंडों के अंदर, और उसके जो अलग अलग नाम है महाधवल, महाबंध, तो ये सारी चीजें भी जो हमारी जानकारी में कभी भी नहीं आती है उसके बारे में भी सर हमें बताते गए कि हर ग्रंथ और उस ग्रंथ का रचयिता कौन है और उसकी विशेषता क्या है। और साथ में आगे जाकर उन्होंने ये भी बताया कि जैसे षटखंडागमन है तो वहां आचरांग के साथ भी उसकी आप तुलना कर सकते हैं, या फिर प्रज्ञापना सूत्र है उसके साथ भी आप उसकी तुलना कर सकते हैं, तो किस तरह ये तुलना भी हो सकती है। दिगंबर परंपरा के जो दो विशेषता है उसके बारे में ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि उसका एक अचेरकत्व जो है कि, और फिर यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह खूबसूरती से बताया, जैसे कोई व्याकरण शास्त्री बताया कि अ जो है उसके छह अर्थ होते हैं, तो कहीं अ का अर्थ है न्यून या फिर कहीं पर वो अभाव है, तो दिग, हमने आज तक शायद नहीं सुना होगा कि दिगंबर, तो दिग अंबर मतलब वो जहां पर दिशाहीन ही वस्त्र है, जिसका दिशा ही जिसका वस्त्र है, इस तरह से उन्होंने ये बताते हुए कहा कि यहाँ पर ये वस्त्र नहीं है, किंतु साथ में उन्होंने कहा कि श्वेतांबर तो वहां श्वेत वस्त्र के जो धारण करता है, और साथ में एक उनके जो भोजन की जो स्थित भोजन है, तो खड़े होकर भोजन करते हैं, एक भक्त भोजन जो होता है उसके बारे में सर हमें बताते गए। तो ये सारी बहुत सारी विशेषता के साथ हमारे यहाँ जो उपस्थित स्वाध्यायी है उनके मन में काफी प्रश्न आए हैं, तो मैं ज्यादा बात करती हूँ, किंतु अगर आप कहें तो हम पहले प्रश्न थोड़े ले ले लीजिए। तो एक प्रश्न हमारे यहाँ ये आया था बीच में कि जैसे कि निर्युक्ति, चूर्णी आदि श्वेतांबर परंपरा में भी जो होती है, अर्पिता बेन शाह ने पूछा है कि डूबी है वह भाष्य, चूर्णी, टीका, वृत्ति, क्या दिगंबर परंपरा के आगम में भी इस तरह होता है? इसमें जो चूर्णी की बात है तो कषाय पाहुड पर चूर्णी की रचना हुई है और उसको यति वृषभाचार्य ने रचना की थी कषाय पाहुड पर, वो चूर्णी प्रसिद्ध है,
भाष्य हमको नहीं मिलता, लेकिन निरुक्ति भी, निरुक्ति के रूप में जो मूलाचार है, मूलाचार का एक अध्ययन षड आवश्यक का जो अधिकार है उसको निरुक्ति के रूप में भी कहा जाता है, और उसका संकलन किया गया अलग से आवश्यक निरुक्ति के रूप में। शेष कोई ऐसी निरुक्ति वहां पर नहीं मिलती है। इसी तरह से चूर्णी एक ही मिलती है, कषाय पाहुर चूर्णी, निरुक्ति में भी हम आवश्यक निरुक्ति कह सकते हैं। और टीकाएं वहां पर हैं लेकिन भाष्य नहीं है। टीकाएं वहां पर, टीकाएं तो बहुत लिखी, षटखंडागम पर भी सेनाचार्य की टीका है, और जो कषाय पाहुड़ है उस पर टीका है वीर सेनाचार्य की है, और उसके अलावा जो समय सार आदि ग्रंथ है उन पर अमृत चंद्राचार्य की है, जय सेनाचार्य की है, पद्म प्रभ की है नियम सार पर, इस तरह से टीकाएं वहां पर हैं। तो टीकाओं का निर्माण तो वहां है, पर निरुक्ति में एक हमको मिलती है, चूर्णी एक मिलती है, भाष्य कोई नहीं मिलता। इतना ही जी सर। साथ में वो जानना चाहते हैं कि कितने आगम है, टोटल नंबर ऑफ आगम इन दिगंबर परंपरा। अर्पिता बेन का ही प्रश्न है। ये तो मैंने जैसा बताया भी, नौ का परिचय दिया है जैसा अभी प्रचलित रूप में है। अब कोई उनके अलावा भी आगम की श्रेणी में लेता हो तो वो अलग बात है, पर प्रसिद्ध रूप में तो यही है आगम है। सर हम टोटल नंबर वर्गीकरण नहीं है आगम, वैसे जो अंग आगम है 12 अंग आगम को वो भी स्वीकार करते हैं नाम से, तो हम कहें कि आगम कितने हैं तो वहां पर 12 अंग आगम को मानते हैं वो, पर 12 अंग आगम को उपलब्ध नहीं मानते, दृष्टिवाद के अंश को उपलब्ध मानते हैं। सर उमंग भाई का एक प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग है। उन्होंने हमें यहाँ पर जो सामायिक में मुपत्ति लेते हैं उस मुपत्ति के बोल जो होते हैं उसका अर्थ पूछा है, क्या आज हम इस सवाल का जवाब देंगे सर कि बाद में लेंगे? देखिए मुपत्ति तो जीव रक्षा के लिए ली जाती है, जो मुख से बोलने पर वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, थूक आदि भी गिर सकता आगम पर, उससे बचने के लिए मुख पर मुपत्ति लगाई जाती है। कोई वहाँ हाथ में रखने की भी परंपरा है, मुख पर बांधने की भी परंपरा है, केवल एक यतना है इससे। उसके बाद और एक सवाल आया है, योगेश भाई का सवाल है जो पूछना चाहते हैं कि आचार्य कुनकुंदा पहले वहां महाविदे गए देन ही कंपोस्ट आगम। आचार्य ऐसी मान्यता है किन बदंती कह दें कि आचार्य कुंदकुंद सिमंदर स्वामी के पास महाविदे में गए थे, ऐसी किम बदंती है। अब पक्का प्रमाण तो उसका हम नहीं कह सकते, परंपरा में मान्यता है। जी सर। और एक प्रश्न ये आया है कि ये जो सारे आगम है उसको किसी और भाषा में भी क्या उसका ट्रांसलेशन हुआ है? हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है, हिंदी भाषा में षटखंडागम का हो गया है, उसकी टीकाओं का, कषाय पाहुड़ का भी हो गया है, चूर्णी का, और ये काम किया है डॉक्टर फूलचंद जैन शास्त्री ने, सिद्धांत शास्त्री ने, डॉक्टर हीरालाल जैन ने, और दूसरे पंडित हीरालाल जैन ने, इन लोगों ने काम किया है, कुछ और भी विद्वान उसमें जुड़े हैं, उन सब विद्वानों ने मिलकर इस तरह का काम किया है, और 16 भाग उनके प्रकाशित हुए हैं धवला जय धवला। और एक आज का अंतिम प्रश्न सर लेते हैं, जो सवाल ये है कि आचार्य समनभद्राचार्य ने तत्वार्थ सूत्र पर गंधस्थी भाष्य लिखा, इसका उल्लेख मिलता है लेकिन वो ग्रंथ नहीं मिलता, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और फिर दूसरी बात, आगम की बात हम कर रहे थे, आगम आगम परंपरा में निरुक्ति साहित्य, निरुक्ति भाष्य चूर्णी आदि की चर्चा चल रही थी, वो आगम में नहीं आता। जो तत्वार्थ सूत्र है वो प्राकृत में भी नहीं है, शौरसेनी में भी नहीं है, और वो आगम का सार अवश्य है पर आगम नहीं है, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे टीकाओं की, वार्तिक की भी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जो आगम साहित्य में जैसे स्वतंबर परंपरा में निरुक्ति चूर्णी भाष्य आदि की परंपरा है, उसकी चर्चा वहां पर की गई थी। और ये जो भाष्य लिखा गया उस भाष्य वो तत्वार्थ पर है और वो उपलब्ध भी नहीं है।
ऐसा तो और भी हो सकता है। तो सर बस इतने ही सवाल थे आज के लिए हमारे पास, और मेरे ख्याल से आपने सारे सवालों के उत्तर बहुत ही संतुष्ट रूप से दिए हैं, और आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। दिगंबर परंपरा के आगम के बारे में आज हमें सर से एक पूरे नए विषय के बारे में जानकारी मिली है, और सर इसके लिए सारे उपस्थित स्वाध्यायियों और यहाँ सभी ट्रस्टियों जो उपस्थित है उन सबकी ओर से मैं आपके प्रति अपना धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।